ये हम ले रहे हैं किले में एंट्री, उसके बाद आएगी एक शहर की मस्जिद, और देन उसके बाद वो जगह आएगी जहाँ पर हम रुके हुए, अतिथि भवन। आपको यहाँ पर गधे बहुत मिलेंगे क्योंकि इन गधों पे ही सामान ले जाके ऊपर चढ़ाई पे लेके जाया जाता है, मतलब जो वहाँ पे दुकानदार हैं उनको पे करना पड़ता है सामान ऊपर लेके जाने का, और इस वजह से जो भी आप चीज़ें ऊपर ख़रीदेंगे जब आप माता जी के दर्शन करने जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ेगा। मान लीजिए 20 रुपये की बॉटल है तो आपको 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे, कोई 5 या 10 रुपये का चिप्स का पैकेट है तो आपको ट्वाइस उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये है वो शहर की मस्जिद, और भी एडवर्टाइज आपको मिलेंगे यहाँ पर होटल्स वगैरह के, और हम भुगत भोग ही रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई और भी भुगते उस चीज़ को। तो ये है वो जगह जहाँ पे हम रुके हुए हैं, इसका नाम है अतिथि भवन, और काफ़ी पुराना है, 2-3 साल तो इसको हो गए, लेकिन इसके सामने का जो एरिया है वो अभी बन रहा है और भी रूम्स बन के तैयार होंगे। हम रुके हैं पीछे वाले एरिया में, तो वन ऑफ द बेस्ट यही जगह है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। आपको अभी रूम भी दिखाता हूँ मैं, ऊपर जाके था 800-1500 ऐसे रूम मिलेंगे, और ये नीचे तो पार्टीज़ के लिए के, मैं आपको रूम जाके बताता हूँ। ये रूम है और यहाँ से एकदम साफ़ चद्दर मिला था, वो हमारी आदत है कि हम बिछा के सोते हैं, और एक चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ, मतलब 3 लोगों के लिए है। अलमारी मिली थी सामने, एकदम साफ मिरर, हाँ एक दो, और एक पास में भी है कि जैसे कई बार होता है ना कि हमें रात को सोते सोते किसी को डिस्टर्ब नहीं करना हो, तो यहाँ पर भी एक लाइट है, यहीं कहीं स्विच है। यहाँ पे पानी गर्म होता है, सुबह आपको पानी यहीं से लेना है, और एकदम देख सकते हैं साफ सफाई है। यहाँ पर भी एक और सॉकेट है, मेरे राइट साइड में लेट बाथ है, अब उसको क्या दिखाऊँ, लेट बाथ है। तो ये रूम की जो प्राइस मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, हमें तो चलो 800 रुपये का पड़ा ये, पर आप एक बार भावेश भाई और सुरेश भाई से पता करके ही आए। अभी एक्चुअली बन रहा है ये, हाँ, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराएंगे, हो सकता है रूम में एसी लग जाए, हाँ, उसके चार्जेस पड़ जाए, और हो सकता है इसमें टीवी लग जाए, अभी टीवी नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो ये इसके भी चार्जेस पड़ जाएंगे, यहाँ पर टीवी नहीं है, तो हो सकता है रूम एसी का ही होगा, तो आप उनसे पता करके आए, और बिल्कुल ये पास में है जैसे मैंने बताया। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है आप उनसे फोन करेंगे, एकदम हेल्पफुल पर्सन है, आपकी हेल्प की जाएगी। और एक और चीज़ हम दोनों भाई आप दोस्त को बताएं कि यहाँ पर इतने सारे होटल्स हैं, बहुत सारे भर के होटल्स हैं, इतने नाटक है ना उनमें, किसी जगह तो आपकी आईडी रख लेंगे कि आपको जब चेकआउट करोगे तब आईडी देंगे, किसी जगह क्या नाटक है, किसी जगह क्या नाटक है, यहाँ ऐसा कोई नाटक नहीं। और यहाँ जो ये चाबी आप अपने साथ में लेके जा सकते हो, कई जगह तो ये भी नाटक है कि सेठ जी को बात करो तब जाके चाबी ले पाओगे, नहीं तो चाबी हमें देनी पड़ेगी, और अगर सामान कुछ चोरी होता है तो वो ग्राहक की जिम्मेदारी। और आपको दर्शन करना बहुत अच्छा रहेगा, और वी विश कि इनका जो ये होटल है बहुत अच्छे से चले, और सालों साल ये हम जैसे जो श्रद्धालु उनको सर्व करते रहे। और 3 बेड भी मिले एक्चुअली यहाँ पे, हाँ, बाकी जगह डबल बेड मिलता है, और यहाँ पे 3 बेड मिले आपको, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो बस अभी 7 कमान जा रहे हैं और झंड हनुमान जी जाएंगे, फिर आगे की वीडियोस आगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हर तरह की हेल्प ये कर देंगे, ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, मतलब ऑल टाइम का मतलब ऐसा नहीं है आप इनको रात को भी फ़ोन गंजना दें, लेकिन ये पूरी हेल्प करेंगे।